जिंदगी बचाने घर की ओर दौड़े लेकिन रास्ते में ही हो गया मौत से सामना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन प्रवासी मजदूरों की जो लॉकडाउन के चलते अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सड़क हादसे में उनकी मौत हो जाएगी। 2 दिन के भीतर यूपी में बड़े सड़क हादसे हुए जिनमें कई मजदूरों की मौत हो गई। ताजा मामला यूपी के औरैया जनपद से आ रहा है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 24 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, रात 3-3:30 बजे के बीच सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क किनारे खड़े मजदूरों से भरे एक डीसीएम में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डीसीएम के परकच्छे उड़ गए। इसकी गूंज आसपास के गांव में सुनाई दी। इस हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 2 दर्जन मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ये सभी मजदूर राजस्थान से गोरखपुर जा रहे थे। इस बड़ी घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों को मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, हाईवे पर हादसा हुआ, क्या पूछना, कितने लोगों की अभी तक मौत हुई है, कितने लोग इंजर्ड? सुबह 3:30 बजे के करीब हादसा हुआ, एक जो छोटा ट्रक था उसमें लोग कैंसर में जो दिल्ली से आए थे जी, तो वो ढाबे के पास रुके, चाय वाय पी रहे थे। पीछे से एक ट्रक, बड़ा ट्रक जिसमें कि तुमने के बोरे दे थे, राजस्थान साइड से, राजस्थान के नंबर है, उसमें कुछ जो लोग बैठे थे तो वो ट्रक पीछे से आके इनसे टकराया, तो शायद ड्राइवर को जबकि अब भी कुछ आई होगी। साइड में था ट्रक, से साइड में खड़ा हुआ था, हाईवे साइड में था, उस पर भी टकराने से घटना हुई। तो इसमें जो टोटल हुआ है इसमें 23 कैजुअलिटी हुई है, 15 को हमने सफाई रेफर करा जिनके ज़्यादा फ्रैक्चर है और माइनर फ्रैक्चर, माइनर उसके 20 लोग यहाँ एडमिट है हमारे 50 पर, 20 लोग यहाँ एडमिट है, 15 लोग सफाई रेफर। सर अनुमानित कितना आंकड़ा पहुँच सकता है, अभी 10 जारी है आपका? कितनी अब सारे हो चुके हैं वहीं से, हम 2 घंटे वहीं थे तो सारा चेक कर लिया, वहाँ ऐसा कोई भी नहीं, सब जितने भी लोग थे सभी आ चुके हैं, किसी की डेथ हुई होगी और जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उनको सही जगह पहुँचा। क्या सर, किसी व्यक्ति जो लोग डेथ हुई फैसिलिटी हुई है जिनकी, क्या किसी के आईडी कार्ड तो देख रहे हैं, किसी के घर वालों से संपर्क हो पाएगा? अभी करवाते हैं, कुछ तो परिवार वाले, कुछ लोग साथ में ही थे, कुछ परिवार वाले यहाँ एडमिट भी हैं वापस में, बाकी ये मैक्सिमम लोग तो बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के थे जो अलग अलग कार्य कर रहे थे।